नमस्कार दोस्तों, आज है संडे और हर संडे मैं देता हूँ आपके सवालों के जवाब। हफ्ते भर में आप लोगों ने जितने भी सवाल पूछे उन सभी के जवाब मैं आज लेकर आया हूँ आज के इस संडे कमेंट बॉक्स में। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। और पहला सवाल मुकेश प्रजापति 7889, 3 दिन पहले इन्होंने सवाल किया था। इन्होंने लिखा है आपके पास कौन सी है। मेरे पास कौन सी बाइक है ये जानना चाहते हैं। तो मुकेश जी मैं बता दूं, मेरे पास एवेंजर 180 है, पल्सर 150 है और बजाज की डिस्कवर जो पुरानी आती थी 100cc की वो है। वो एक्चुअली घर पे पड़ी है, बहुत दिन हो गए उसे यूज़ नहीं की है, लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा मैं घुमा हूँ, बहुत ही लंबी ड्राइव भी मैंने उस पर करी थी। और वैसे भी ये तीनों ही गाड़ियाँ बजाज की है, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं बजाज का काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हूँ। बजाज की गाड़ियों की रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, अच्छी तब होती है जब आप उनका टाइम टू टाइम ख्याल रखते हो। एक बीवी की तरह आपको इसको पालना पड़ता है बजाज की गाड़ियों को, तो भाई आपको ये कहीं पर भी धोखा नहीं देती है। मैं खुद लोगों को व्हीकल सजेस्ट करता हूँ, तो ऐसे में मैंने खुद ने कौन से व्हीकल्स लेनी चाहिए इतना तो मुझे पता ही होगा। तो मेरे पास ये 3 गाड़ियाँ हैं, आपके सवाल का जवाब मिल गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल राजपूत जी लिखते हैं और वो लिखते हैं लंबाई 5.8, वजन 81 kg, क्या लंबी यात्रा के लिए आपाची 164V बाइक सही रहेगी। बिल्कुल क्यों नहीं, आपाची 4V की तो बात ही अलग है, 160 ये बाइक बिल्कुल सही रहेगी। वजन में आपको थोड़ा सा मतलब हाई स्पीड में थोड़ी सी अनस्टेबल ये बाइक थोड़ी सी माइनर सी महसूस हो सकती है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा नहीं फील हुआ है। पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो 90+ 95+ थोड़ी सी अनस्टेबल लगने लग जाती है, यानी कि कॉन्फिडेंस गाड़ी पे लूज होने लग जाता है, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आराम से आप इस पर लॉन्ग राइड कर सकते हो, 100, 150, 200, 500 तक की भी राइड आप इस पर कर सकते हो, किलोमीटर तक की। इसमें आपको एक प्रॉब्लम आ सकता है जो इसकी सीटिंग पोजीशन है, वैसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है पिलियन के लिए और राइडर के लिए दोनों के लिए, लेकिन फिर भी एक स्पोर्टी टाइप का लुक इसे दिया गया है और आपको बाइक जो है वो थोड़ा झुक के चलाना पड़ता है, यू नो इस तरह से, तो आपके कंधों में और आपके एल्बोज में यहाँ पे थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसे लंबी जर्नी के लिए लेके जा सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल लिखते हैं बाबरिया दिनेश प्रजापत और ये लिखते हैं सर प्लैटिना 110 एज गियर में डिस्क लेना या ड्रम, कंफ्यूज सजेस्ट। इनका ये मानना है कि जो प्लैटिना एज गियर 110 सीसी की गाड़ी आती है उसमें डिस्क ब्रेक लेना चाहिए या फिर ड्रम ब्रेक लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको डिस्क ब्रेक मतलब वहाँ तक थोड़ा सा बजट आपका स्ट्रेच हो सकता है तो ड्रम के मुकाबले अलवेज बेटर है डिस्क। कुछ लोगों का ये भी इसमें मिथ होता है कि डिस्क ब्रेक में प्रॉब्लम आता है, गाड़ी ख़राब होती है, कभी कभी ये फंस भी जाती है, इट मीन्स ये यू नो ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, डिस्क का जो फंक्शन होता है ऊपर एक छोटी सी डब्बी रहती है आपके हैंडल बार पे, वहाँ पर उसका ऑयल जो होता है वो टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए और डिस्क पैड आपको टाइम टू टाइम समय के साथ साथ वो घिसते रहते हैं, ब्रेक जैसे आप यूज़ करते हो तो उसे भी चेंज कर देना चाहिए। तो ऐसे अगर आप छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेफिनेटली मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्क ब्रेक के साथ जाओ, अगर नहीं जा सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्रम ब्रेक के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी आपको कॉन्फिडेंशियल ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है डिस्क। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है गो हार्ड 220, इन्होंने 3 दिन पहले पूछा था और ये पूछते हैं गो हार्ड 220, सर आई हैव पल्सर 220 BS4, आई हैव कम्प्लीटेड माई फर्स्ट सर्विस, दे गिव मी बजाज इंजिन ऑयल बट आफ्टर राइडिंग 750 km देर इज अ प्रॉब्लम इन गियर शिफ्टिंग, ओके, एंड द इंजिन इज हैज़ बिकम ब्लैक, ऑयल शायद ब्लैक आ रहा है इनका। सो इन सेकेंड सर्विस कैन आई फील मोटूल 3100 सेमी सिंथेटिक ऑयल इन इंजिन, इट विल बेटर और इट विल हार्म द इंजिन, ओके प्लीज रिप्लाई। एंड व्हेन आई एम गोइंग टू चेंज माई इंजिन ऑयल एंड स्विच टू मोटूल, शुड आई चेंज माई ऑयल फिल्टर, इट विल बी बेटर और नॉट, प्लीज रिप्लाई। काफ़ी बड़ा सवाल लिखा है गोहार्ड 220 जी ने। आगे ये लिखते हैं एंड शुड आई चेंज इंजिन ऑयल आफ्टर राइडिंग 750 km फॉर सेकेंड सर्विस, प्लीज रिप्लाई थैंक्स। एक ही सवाल में आपने 3 सवाल पूछे हैं तो मैं बारी बारी से आपका जो है जवाब देता हूँ। जो आपने पहले पूछा था, देखो मैं बता दूँ आपको कि आपका ब्रांड चेंज नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको आपके मैनुअल बुक में बजाज ने बजाज का ऑयल लिखा हुआ है तो वही डालो,
फ़र्क सिर्फ नाम का है, बाकी उसके ग्रेड और जो भी चीज़ें होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो ऑयल जो मोटुल का आप डालने वाले हो वो मत डालो, मैं रिकमेंड करूँगा आपसे बस बजाज का ही डालो, जो ग्रेड आपके मैनुअल बुक में लिखा है वही। एक्चुअली पल्सर 220 के लिए कुछ ग्रेड है, मुझे माइंड से स्किप हो रही बात, तो जैसे ही याद आता है मैं आपको इसी रिप्लाई के नीचे, इसी कमेंट के नीचे रिप्लाई भी कर दूंगा, लेकिन मैनुअल बुक में देखकर आप डाल दो। और दूसरी चीज़ आपका दूसरा सवाल है, आप 750 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज कर ही दो अगर वो काला आ रहा है, ब्लैक आ रहा है तो ओके। और रही ऑयल फिल्टर की जो फिल्टर होता है उसकी बात, तो उसे एक बार मैकेनिक को दिखा के चेंज कर लो, अगर वो ज़्यादा ब्लैक हो चुका है, ज़्यादा काला हो चुका है, तो डेफिनेटली आपको उसे भी चेंज करवा लेना चाहिए। आई थिंक ये बजाज की ओर से हो जाएगा, थोड़ा बहुत चार्ज आपको देना पड़ेगा, लेकिन कंपनी का ही डलवाओ। साथ ही आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी कि जो ग्रेड है वो और जो जितना ऑयल आपके 220 में आता है जो मैनुअल बुक में लिखा है उतना ही आपको डालना है, लेकिन जो बातें मैंने बताई उसका आपको ध्यान रखना है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम तब आती है जब ऑयल में कहीं ना कहीं दिक्कतें, यानी कि ऑयल आपका जो है अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। अगर ऑयल अच्छी तरह से सर्कुलेट हो रहा है हर जगह पर जहाँ उसकी ज़रूरत है, तो गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आना है, आप इन बातों का ध्यान रखते हैं रखना। बढ़ते हैं आगे। और अगला सवाल आनंद मेवादा, और ये लिखते हैं, भाई मुझे अभी बाइक लेनी है डेली यूज़ के लिए, कौन सी लूँ, स्प्लेंडर प्लस या HF डीलक्स, प्लीज़ रिप्लाई, आई एम कन्फ्यूज। दोस्त मैं बता दूँ आपको आनंद जी, तो इस चीज़ पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, यानी कि मैंने जो HF डीलक्स वर्सेस स्प्लेंडर प्लस दोनों का कंपैरिजन भी कर रखा है, और उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि इन दोनों गाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ लुक का फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। इंजन दोनों का सेम है, पावर दोनों का सेम है, सारी चीज़ें लगभग सेम ही मिल जाती है। तो आपको जिस गाड़ी का लुक अच्छा लगता है उन दोनों में से किसी भी गाड़ी की ओर आप जा सकते हो, किसी को भी परचेस कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आजाद सिंह 9939, आजाद सिंह 9939 डबल इनका नाम है, ये पूछते हैं, सर हीरो स्प्लेंडर प्लस BS4 ले सकते हैं या BS6 का इंतज़ार कर ले? डेफिनेटली यार थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, BS4 और BS6 इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ऐसा है कि अभी देखो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था स्प्लेंडर जो आने वाली स्प्लेंडर प्लस है BS6 की गाड़ी में, तो क्या होता है कि BS4 से BS6 में जो इंजन है वो कन्वर्ट इतना जल्दी नहीं होता है, होता है लेकिन उसमें कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं जो हम आप जैसे नॉर्मल लोगों को मैकेनिकली इतना अंदर पता नहीं चलता है। तो ये जो इंजन आने वाला है ये हीरो आई थिंक खुद बनाएगा, तो पहले वाले इंजन की रिलायबिलिटी शायद इस इंजन में ना आए। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले वाले इंजन से ये जो BS6 का इंजन है काफ़ी अच्छा और बेहतरीन और स्मूथ भी मिल जाए, दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ है। या तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा उभर कर आएगा या फिर परफॉर्मेंस पहले वाले से थोड़ा डाउन हो जाएगा, लेकिन आज की डेट में इस सवाल पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई भी ये बता नहीं सकता कि BS6 का इंजन अच्छा मिलेगा या फिर BS4 का जो है वो अच्छा रहेगा, तो BS6 लॉन्च हो जाने के बाद ही ये सारी चीज़ें पता पड़ पाएगी। लेकिन एक चीज़ है कि आपको BS6 में कई तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपका जो बाइंग डिसीजन है वो थोड़े दिन के लिए रुकवा लो, जो BS6 मॉडल आ रहा है उसे खरीद लो। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है मोहम्मद तारिकी, माफ करना नाम में थोड़ी गड़बड़ी अगर हो गई तो। अब ये मोहम्मद जी लिखते हैं, इस जुपिटर ZX वर्थ वाइल्ड? डेफिनेटली ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और लोग इसे खरीद भी रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मेरे चैनल पर विजिट करके इसका एक ओनरशिप रिव्यू, यानी कि मार्केट में जितने भी लोग मिले उन सभी से बातें करने के बाद रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने मेरे चैनल पर डाल रखा है, आपके सारे सवालों के जवाब वहाँ पर मिल जाएंगे अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो। इस वीडियो को ख़त्म हो जाने के बाद आप मेरे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लेना। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कृष्णा मुरारी, ये लिखते हैं, अप्रॉक्स माइलेज कैन वी एक्सपेक्ट? किस चीज से, कौन सी गाड़ी से? इट इज गुड फॉर डेली राइड फॉर राइड्स ऑफ अप्रॉक्स 28 किलोमीटर टू एंड फ्रो, और इज प्लैटिना H बेटर? भाई माफ करना कृष्णा जी, आपका सवाल देखो कुछ हद तक ऐसा है कि माइलेज किस हद तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किस गाड़ी से यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप जुपिटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी जो मैंने पहले कमेंट पढ़ी उसी के नीचे ये है, तो जुपिटर का जो माइलेज है वो आपको लगभग 40-45 तक मिल सकता है। माइलेज भी डिपेंड करता है आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, कौन से रास्ते पर चलाते हो, विलेज वाले रास्ते हैं या फिर सिटी वाले प्लेन रास्ते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। अप्रॉक्सीमेटली माइलेज की बात करूँ तो 40 से लेकर 45 तक का माइलेज आपको मिल सकता है। अब इसी में आपका दूसरा सवाल भी है, 28 किलोमीटर तक डेली राइड के लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी? प्लैटिना H गियर ऑलवेज एवरग्रीन,
कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दोहराया नहीं है कि प्लैटिना एज गियर काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल बाइक है, काफ़ी ज़्यादा माइलेज देती है, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड भी है इंडियन हिस्ट्री में इंडियन बाइक 100 और 110 सीसी सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं उसमें सिटी 100 के बाद सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली प्लैटिना ही है। अब ये एज गियर में आ चुकी है, हाईवे गियर में आ चुकी है, 5 गियर में आ चुके हैं, तो ये भी इसमें एक एडवांटेज ही है, तो ये गाड़ी भी अच्छी है। रही जुपिटर की बात, तो जुपिटर में आपको इतना माइलेज नहीं मिल पाएगा जितना प्लैटिना में मिलेगा, और वो रिलायबिलिटी आपको जुपिटर में नहीं मिल पाएगी जितने प्लैटिना में मिल पाएगी, क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियाँ अलग अलग सेगमेंट की आ जाती है। ये स्कूटर है और ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, तो यहाँ पे फर्क जमीन आसमान का है। फिर भी दोनों भी अच्छी है, आप आपके पर्पज़ के हिसाब से दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। अगर मेरा सजेशन मैं दूँ तो वो ये है कि अगर आपके घर में आपके अलावा जैसे लेडीज़ है, जो आपकी बहन हो सकती है, मम्मी हो सकती है, या फिर वाइफ हो सकती है, या फिर कोई लेडीज़ मेंबर ऐसी है जो गाड़ी यूज़ करना चाहती है, आपके अलावा बेटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, डैड वगैरह, तो आप जुपिटर ले सकते हो। और अगर आप खुद यूज़ करना चाहते हो या फिर आपका भाई वगैरह है जो टू व्हीलर यूज़ कर सकता है, प्लैटिना जैसी गाड़ी, गियर वाली गाड़ी, मोपेड नहीं, तो उस तरह की जो गाड़ी है तो आप प्लैटिना एज गियर ले सकते हो। ये दोनों मैंने बेसिक पर्पज़ बताए, हो सकता है आपका इनसे भी हटके कुछ अलग पर्पज़ हो, तो आप उस हिसाब से आपकी जो है बाइंग डिसीजन आप ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है रियान कुमार, अब ये लिखते हैं क्या ये पॉसिबल है BS6 बाइक में कुछ नया प्रॉब्लम आ जाए जो BS4 बाइक में नहीं था। काफ़ी बढ़िया सवाल पूछा है आपने रियान कुमार। रैन जी मैं देखो बता दूँ आपको कि प्रॉब्लम तब पता चलेगा जब ये आएगा। इंजन में बदलाव करे हैं ये तो आप लोग सभी जानते हो, कुछ हद तक मैकेनिज्म सेम है, बस उसमें जैसे अभी पहले इतना बड़ा मेमोरी कार्ड आता था मोबाइल में, अब उसको छोटा कर दिया, उससे भी छोटा कर दिया, माइक्रो एसडी कार्ड कर दिया, तो उसी तरह से चेंज होती गई चीज़ें, और वही चीज़ें अभी अपनी गाड़ी में भी आ रही है, टू व्हीलर में आ रही है, फोर व्हीलर में आ रही है, सारी चीज़ों पे रिवोल्यूशन हो रहा है, नई नई चीज़ें अभी फाइंड आउट करी जा रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें जो है अपग्रेड हो रही है। BS6 भी वही है, इसमें पोल्यूशन कम होगा, तरह तरह की चीज़ें हैं। BS6 के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, वो सब्जेक्ट किसी और दिन कवर करेंगे। आपका जो सवाल है कुछ नए प्रॉब्लम आ सकते हैं क्या, देखो ऐसा है कि अभी तक जितने भी प्रॉब्लम आ रहे थे किसी भी गाड़ी में, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, BS4 वाली जितनी भी गाड़ी थे, कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन रहेंगे, जैसे चेंज पॉकेट हो सकता है, जैसे इंजन के अंदर खटखड़ा खटखट सी आवाज़ आती है, खड़खड़ाहट सी आवाज़ आती है, वो ऐसे कुछ प्रॉब्लम कॉमन रह सकते हैं और रहेंगे आई थिंक। लेकिन जो नए आने वाले प्रॉब्लम है वो अभी कोई भी जज नहीं कर पाएगा, ना मैं कर पाऊंगा, ना कंपनी मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो कर पाएंगे। आपके सवाल का जवाब तभी पता पड़ पाएगा जब एक्चुअल कुछ प्रॉब्लम होगा। इंजन वही है, BS4 की जगह BS6 कर दिया है, थोड़े बहुत मैकेनिकल अंदर से चेंज करे हुए हैं, जो इंटरनल चेंजेस होते हैं, टेक्निकल चेंजेस, तो उसी में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर वो फ्यूचर में ही पता चलेगा। काफ़ी अच्छा सवाल है आपका, आई एम सरप्राइज, थैंक यू, क्या सवाल पूछते हैं आप लोग। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल अगेन आज़ाद सिंह 9939 दोबारा से नाम है इनका, तो आज़ाद सिंह जी लिखते हैं सर हमें आप जवाब नहीं मिला, BS6 में पेट्रोल कौन सा यूज़ होगा। पहली जो लाइन है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ आज़ाद सिंह, मायूस ना हो, नर्वस ना हो, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मुझसे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं दोस्त, मैं भी कहीं पे काम धंधा करता हूँ, मेरा भी खुद का बिजनेस है, दिन भर की भाग दौड़ में एकाध बार कमेंट छूट जाती है, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, तो यार आदमी हूँ, इंसान हूँ, मशीन नहीं कि सभी का ऑटो रिप्लाई देता रहूँ, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मैंने जो भी है काम मैं प्रॉपरली कर रहा हूँ, एकाध बार कमेंट छूट जाती है तो नाराज़ मत हुआ करो, और ना ही आप ऐसे रिप्लाई करा करो, मैं आपके सवालों के जवाब कमेंट में जब आप डालते हो तभी देने का ट्राई करूँगा, या फिर संडे कमेंट बॉक्स जैसे मैं आज कर रहा हूँ दे दिया करूँगा। अब दूसरी लाइन जो आपकी है BS6 में पेट्रोल कौन सा यूज होगा, देखो कुछ जगह पे सेम पेट्रोल पहले डाला जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में ये सर्कुलेट होगा, प्योरीफाई पेट्रोल होगा, BS6 का जो BS6 के इंजन को सूट होता है उस तरह का पेट्रोल, थोड़ा ज़्यादा प्योरीफाई, थोड़ा ज़्यादा स्मूथ, अच्छा पेट्रोल हर जगह मिलेगा, पहले बड़े बड़े महानगरों में मिलेगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उनमें मिलेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे करके पुणे जैसे सिटीज़ में मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके और भी जो है पूरे इंडिया में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है सर आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हो तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों को हजम होने वाली बात नहीं है, मेरी कमेंट शो मत करना, ये इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज आया था, और इनका कहना है कि मेरी कमेंट शो मत करना, मैं सीधा मतलब बताता हूँ, इनका नाम भी मैं नहीं लूँगा,
काफ़ी अच्छा, ये मेरे हित चिंतक है, काफ़ी ज़्यादा ये शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं, और कई बार इन्होंने मुझे जो चैनल में पॉइंट्स होते हैं, यानी कि कुछ मिस्टेक्स है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो टाइम टू टाइम इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और इन्होंने मुझे बताया है, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि जिन्होंने कमेंट करी है वो समझ जाएंगे। देखो, इनका ये कहना है कि आप कुछ ज़्यादा हद तक एक्सप्लेन कर देते हो, पहली चीज़ जो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इसमें बोरिंग सा भी आ जाता है पार्ट थोड़ा सा। दूसरा इन्होंने पूछा है, ये पूछते हैं कि कमेंट्स भी भद्दी सी आती है। मैं मानता हूँ, मैंने कई बार देखा है कमेंट्स भद्दी सी आती है और उसके नीचे बैड वर्ड्स लिखे हुए होते हैं जो मुझे खुद अच्छे नहीं लगते। मेरा जो पर्पज़ है इस चैनल को क्रिएट करने का, आप लोगों तक सच्चाई पहुँचाना है, डीप से डीप नॉलेज देना है। पूरे YouTube पर ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा जो इतने डीप में इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस। आपको अक्सर जितने भी आप YouTube चैनल देखोगे, गाड़ी के सामने खड़े रह के एक ही बंदे के साथ बात करके उसका ओनरशिप रिव्यू लेके चैनल पर डाला जाता है। मेरी वो चीज़ नहीं है दोस्तों, मैं बाहर घूमता हूँ, इट मीन्स एक ही गाड़ी के चार पांच, एक ही तरह की गाड़ी जो होती है, सपोज अगर HF डीलक्स है फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, कोई भी गाड़ी है, तो उस जैसी गाड़ी के चार पाँच छः सात आठ दस जितने भी बंदे मिलते हैं अलग अलग प्लेस पे, जब भी मिलता है जो भी मिलता है, खड़े खड़े मैं उससे बातें कर लेता हूँ, क्या परफॉर्मेंस है, कितना चली है, क्या आपको दिक्कतें आई, कब खरीदी थी, क्यों खरीदी थी, कितना लॉन्ग राइड किया, सारी चीज़ों का वहीं पर सवाल जवाब शुरू कर देता हूँ, नॉलेज गेन करता हूँ, नोट डाउन करता हूँ, दिमाग में रखता हूँ, मोबाइल रहा तो मोबाइल में वहीं पर मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इतनी सारी चीज़ें इन डेप्थ जमा करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद, पॉइंट्स लेने के बाद, समरी बनाने के बाद आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ। अब ये चीज़ तो बोलने में 2 मिनट लग गए, लेकिन भाई वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लग जाती है ना, उतनी आप इमेजिन भी नहीं करोगे। फिर भी आप नीचे बैड कमेंट्स करोगे तो ये बात गले से उतरने वाली नहीं है। नहीं देखना है वीडियो मत देखो, नहीं पसंद आता है डिसलाइक करो, लेकिन जितनी मैं ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ला रहा हूँ, कुछ तो उसका मोल होना चाहिए ना भाई लोग। और ये मैंने पहले ही कहा कि पूरे YouTube चैनल पर इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको, भले ही थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, होने दो, नॉलेज तो पूरा मिल रहा है ना आपको, तो इसमें क्या दिक्कतें हैं। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं, उनको सभी सवालों के जवाब टाइम टू टाइम मिले भी है। अगर नहीं मिले हैं तो मुझे इंस्टा और ट्विटर पर उन्होंने फॉलो भी कराया, वहाँ से भी मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का अगर कुछ सवाल छूट गया तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं भाई। रही लंबे वीडियो की बात, तो यार नॉलेज ही उतना है, नॉलेज क्या, पूरी चीज़ें आ जाती है उसमें, परफॉर्मेंस से लेके पूरे मतलब गाड़ी के आगे पीछे बिल्ड क्वालिटी सारी चीज़ें, पूरी गाड़ी का मैं यहाँ पे जो है इन डेप्थ ओनरशिप रिव्यू हो या फिर उसका जो एक्चुअल रिव्यू होता है, वॉक अराउंड हो, सारी चीज़ें आपको मिलती है। और इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, नॉलेज मैं पूरा देता हूँ इसलिए वो आपको ज़्यादा लगता है। आपने काफ़ी अच्छा सजेशन दिया, मुझे कमेंट में इस सब्जेक्ट पर ज़रूर बताना दोस्तों कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, उस हिसाब से चैनल को मॉडिफाई भी करा जाएगा। आज का वीडियो यही खत्म करता हूँ। अभी तक आपने मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपके सभी सवालों के जवाब वहाँ पर भी दिए जाएंगे, और मैं अक्सर लाइव भी आया करता हूँ इंस्टा पर, तो वहाँ पर भी आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पास किसी भी तरह की बाइक है, कार है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, उन सभी के सवालों के जवाब एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर ये वीडियो आप इंस्टा पर देख रहे हो तो लाइक ठोक दो, फेसबुक पे देख रहे हैं तो जरूर शेयर कर देना मेरे भाई लोग, और दूसरी चीज अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल जरूर ऑन कर लेना। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।